हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सीडीज एजुकेशन एंड आज मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स लाई हूँ फॉर 1st to 15 December 2019. दिस इज़ अ क्विज फॉर यू. यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की क्विज देखेंगे और इन्हीं करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. लेट अस बिगिन विद द क्विज. Question number 1. Aberdeen Police Station was ranked as the best in the country by the government on December 6, 2019. It is in which UT? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अबरदीन नाम का पुलिस स्टेशन जिसे के बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है वो किस यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Now let us see next question number 2. Which lyricist has written the Bharatiya Poshan Anthem launched by the government to spread the message of making India malnutrition-free? तो ये जो भारतीय पोषण एंथम है ये किस लिरिसिस्ट ने लिखा है? And the answer is option C, प्रसून जोशी. Next is question number 3. Poshan Abhiyan was launched by Prime Minister Narendra Modi in March 2018 with an objective to make India malnutrition free by dash. तो हमें बताना है कि 2018 में लॉन्च हुआ पोषण अभियान का एम क्या है, भारत को किस साल तक malnutrition free बनाना है. आंसर है ऑप्शन बी, 2022. क्वेश्चन नंबर 4. द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन डैश 2019. तो आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? आंसर है 7 December 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन December 4 टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स. तो इनमें से किस हैपनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए हर साल 4 December को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑफेंसिव एक्शन इन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971. द इंडियन राफेल फाइटर जेट्स विल फ्लाई विद द टेल साइन डैश आफ्टर फॉर्मर एयरफोर्स चीफ डैश. तो हमें बताना है कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स के टेल साइन पर क्या लिखा जाएगा और वो किस एयरफोर्स चीफ के नाम पर रखा गया है. आंसर है ऑप्शन ए, BS, फॉर बीरेंद्र सिंह धनोआ. तो ये जो राफेल फाइटर जेट्स है इनकी टेल पर BS लिखा जाएगा आफ्टर एयरफोर्स चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वीडन इज करेक्ट. तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहली है रिक्सडैग इज द लेजिस्लेचर, सेकेंड है स्टॉकहोम इज द कैपिटल, और तीसरी है स्वीडिश क्रोना इज द करेंसी. और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज बी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज गिफ्टेड कोस्ट गार्ड शिप कामयाब टू विच कंट्री इन December 2019. इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन ए, मालदीव्स. तो भारत ने कोस्ट गार्ड शिप कामयाब मालदीव्स को गिफ्ट की है. द कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स ऑफ द डैश ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन हवाई फ्रॉम December 4 to 6, एंड द आंसर इज एयरफोर्सेज, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज के एयरफोर्सेज के चीफ्स की कॉन्क्लेव हवाई में ऑर्गेनाइज की गई थी. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना हेल्ड इन मेघालय इन डिसम्बर. आंसर इज ऑप्शन बी, हैंड इन हैंड. हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और चाइना के बीच में होती है. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन कंट्री फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स बिहाइंड US अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020. आंसर है जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 12. डैश स्टूडेंट्स डोमिनेटेड द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट कंडक्टेड बाय OECD. तो ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है पीसा, इसमें कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर में थे? आंसर है चाइनीज, यानी कि चाइना के स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st century फॉर ऑल एज इट्स थीम फॉर 2020. तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 2020 की थीम रखी है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st century फॉर ऑल? आंसर है ऑप्शन ए, G20, दैट इज ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. क्वेश्चन नंबर 14. रशिया ऑन December 2 इनॉग्रेटेड द 3,000 किलोमीटर पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस टू विच कंट्री? द आंसर इज ऑप्शन डी, चाइना. तो रशिया ने ये जो नई पाइपलाइन इनॉग्रेट की है इससे चाइना को नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी.
Question number 15. Which country hosted the 2019 summit of the NATO in December 2019? Answer is option A, UK. Which typhoon hit the Philippines on December 3? Answer is Kamuri. Question number 17. Prithvi Raj Singh Rupan has been appointed as the new president of which country in December 2019? The answer is option B, Mauritius. Antti Rinne resigned as prime minister of which country? Answer hai, Finland. Question number 19. The 25th session of Conference of Parties under the UN Framework Convention of Climate Change is being organized at Dash from December 2 to 13, 2019. तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का 25th सेशन कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, मैड्रिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. हु वन द शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज इन दिसंबर? आंसर इज ऑप्शन ए, टोनी जोसेफ फॉर अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम. नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इट्स लेंडिंग प्लेटफॉर्म मी क्रेडिट इन इंडिया? तो मी क्रेडिट नाम का लेंडिंग प्लेटफॉर्म इनमें से किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, शाओमी. क्वेश्चन नंबर 22. नेम द वर्ड ऑफ द ईयर एज अनाउंस्ड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज. इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेट इमरजेंसी. अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ, तो हमें बताना है कि इनमें से किन की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, गूगल. Question number 24. President Ramnath Kovind inaugurated the new building of Rajasthan High Court at Dash on December 7. Iska answer hai option C, Jodhpur. Now we move on to next question. Name the Indian who won the London Chess Classic on December 6. Answer hai option B, R. Pragnandha. Next question number 26. The Arms Amendment Bill 2019 was passed by the Parliament in December and iske accordingly, a person can keep how many firearms? Answer is option B, 2. To is naye Amendment Act ke according, har insaan 2 firearms rakh sakta hai. Question number 27. Which Central Armed Police Force was in news for launching a dedicated matrimonial site for its staff in December? Answer is option C, ITBP. Which former chief of Indian Army is the author of India's Military Conflicts and Diplomacy and Inside View of Decision Making? तो इस किताब के author कौन है? Answer है General V.P. Malik. Now we move on to the next question. Question number 29. Which organization has signed an agreement to rebuild 11 cultural heritage sites damaged in earthquakes in and around the Kathmandu Valley in 2015? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. अब्दुल्ला शहीद इज द डैश ऑफ मालदीव्स एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, फॉरेन मिनिस्टर. क्वेश्चन नंबर 31. द थर्ड इंडिया डैश सेक्रेटरी लेवल 2+2 डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू डेली ऑन डिसम्बर 9, 2019. द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया. तो ये जो डायलॉग था ये था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेक्रेटरी लेवल 2+2 डायलॉग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. एडमिरल औरंगजेब चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ डैश नेवी ऑन डिसम्बर 11 विजिटेड द नेवल बेस एट विशाखापट्टनम. तो ये एडमिरल औरंगजेब चौधरी किस कंट्री के नेवल स्टाफ के चीफ हैं? आंसर है बांग्लादेश के. Now we see the next question. Question number 33. Which of the following won the general elections in United Kingdom in December 2019? Answer hai option B, Conservative Party. Which country is facing civil war due to fighting between forces of Field Marshal Khalifa Haftar and government troops? Answer hai option B, Libya. Next is question number 35. People in Bougainville voted in favor of independence from which country in a referendum held recently? Answer hai Papua New Guinea. Which organization has said that at least 250 journalists are jailed around the world with the largest number held in China? Answer hai Committee to Protect Journalists. Question number 37. Which African country was hit by Cyclone Belna in December? Answer is option D, Madagascar. Next, who was appointed as the new Prime Minister of Finland, the youngest in the world in December? The answer is Sanna Marin. Who was crowned Miss Universe 2019 in Atlanta? The answer is
Zozi Bini Tumzi. IRNSS is Indian Dash Navigation Satellite System. Answer is regional. So IRNSS ka full form hai Indian Regional Navigation Satellite System. Which district of West Bengal has won the first prize in implementation of center's rural job scheme? Answer is Bankura. Who was announced the winner of Crystal Award by the World Economic Forum? Answer is Deepika Padukone. Who is the chairman of Indian Banks Association? Answer is Rajneesh Kumar. Government's InvIT is Dash Investment Trust. Answer is Infrastructure Investment Trust. What was India's rank among 189 countries in UNDP's Human Development Index released in December? Answer is 129. The World Design Organization has announced the launch of World Design Protopolis at Dash. Answer hai Bengaluru. The world's first ever fully electric commercial aircraft took its inaugural test flight in which country? Answer is Canada. Roshni Nadar Malhotra is among the three Indian women in Forbes annual list of world's 100 most powerful women. She is associated with which IT company? Answer is HCL. Next question. Dash Literature Festival was organized in Chandigarh on December 13 to 15. Answer is Military Literature Festival. How many gold medals were won by India at the 13th South Asian Games in Nepal? Answer is 174 gold medals. With this, we come to an end of this session of Current Affairs. Thank you for watching this video. I hope it is helpful to you. And please don't forget to download the free PDF from the link given in the description box. And for more videos, do subscribe to our channel, SuccessCDs Education.